सभी भाई बहन गुरु जी के नाम का एक जयकारा लगाएंगे बड़े जोश और होश के साथ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, बोलो संत समाज की जय, बोलो भक्त समाज की जय हो, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सच्चे दरबार की जय, अच्छे परिवार की जय, और सेवा भगत की जय। दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। बिन गुर ज्ञान नहीं उपजे नहीं अज्ञान बिना, बंदो गुरुवर देव को जासो भ्रमो तमुना। गुरुदेवन के देव है गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भर में नहीं हो। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भर में नहीं हो। हेलो, हाँ नौमी और ओम प्रकाश आवाज सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए मंच पे आवे नौमी भाई और ओम प्रकाश जी। चलो आ विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, इसका एक और पढ़ाइए डाल रहे बेटा, थोड़ी आवाज बढ़ा। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूप है माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा समय है सेवा के लिए कुछ निवेदन करें। पूज्य संतों ने बहुत कुछ अच्छा सब कुछ आपके सामने जीवन का रहस्य खोल करके रख दिया, और हम तो सोच रहे थे कि हम तो आप लोगों के बीच में रहते ही हैं यहाँ, और ये संत महात्मा बाहर से आए, इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बताई। जीवन की सार्थकता इसी में है, संयम पर साहेब जी ने बहुत कुछ कहा है, और संयम का अर्थ होता है अनुशासन। एक अच्छा शब्द है जिसको हम कहते हैं स्वामी, स्वधनयामी। स्वामी का मतलब होता है जो स्वयं का मालिक बन जाता है। सच्चे अर्थों में हम संत महात्मा होते स्वामी और साहेब कहते हैं
लेकिन सही अर्थ यही है कि जो अपना स्वयं मालिक बन गया वो स्वामी है। तो सभी भाई बहन अपने स्वयं के मालिक बने, अपने मन के मालिक बने, अपने इंद्रियों के मालिक बने, तो आपका जीवन अनुशासित होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। और जहां अनुशासन नहीं है, परिवार में भी समता नहीं है, सुमति नहीं है, तो सज्जनों वो परिवार की दशा बिगड़ जाती है। ये सारा ज्ञान हमको मिलता है सत्संग से। देखो ये कड़ी सत्संग की सुनाए, फिर आगे चर्चा रखेंगे। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जावो तुम, वहां पर नित्य जावो तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जावो तुम, वहां पर नित्य जावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। और कितना बढ़िया कहा है, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। कितने भाई बहन कहते हैं कि अभी क्या है, कर लेंगे अभी सत्संग के लिए तो काफी समय पड़ा है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर यह दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहां सत्संग होता वहां पर नित्य जावो तुम, वहां पर नित्य जावो तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ने मौका ये गमावो तुम, ने मौका ये गमावो तुम। कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जावो तुम। ऐसा कहा है, हमें समय पर भोजन स्नान करने के लिए दो पांच कामों को छोड़ देना चाहिए। समय पर स्नान करना चाहिए, भोजन पाने के लिए हमको दस कामों को छोड़ देना चाहिए। चलो दस आठ काम छोड़ दिए लेकिन समय पर भोजन पा लिया, समय पर स्नान हो गया, समय पर भोजन हो गया, और सत्संग के लिए 50-40 कामों को
छोड़ देना चाहिए, लेकिन समय पर हम सत्संग कहीं ना कहीं, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, घर की सारी चीजें सुव्यवस्थित रूप से रखी रहती हैं, कपड़ा जहाँ के तहाँ रखे है, कटिया जहाँ की तहाँ रखी है, बढ़िया बर्तन सब साफ किए एक जगह पर रखे हुए हैं, जूता चप्पल बाहर कहीं एक जगह रखे हुए हैं, और आपका घर साफ है, सुंदर है, कोई भी लोग आएंगे देखेंगे कहेंगे भाई भाई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो घर में एक बार झाड़ू तो लगता ही है, वैसे दो बार भी लगता है, तीन बार भी लग जाता है, कहीं कहीं घर में लोगों का आवागमन ज्यादा हो जाता है तो फिर चार बार भी लग जाता है, तो घर कितना सुंदर लगता है। तो जैसे हम घर को सुंदर बना करके रखते हैं, इसी तरीका से हमें इस हृदय रूपी घर को भी साफ सुंदर बना करके रखें, और ये घर की सफाई होती है सत्संग से। जैसे घर की सफाई होती है उस झाड़ू से, हाथ पैरों से, और यहां हृदय की सफाई होती है अपने विचारों से, संत महापुरुषों के सानिध्य से, सत्संग से। तो हम एक बार दो बार सत्संग करें, जरूर करें। तो मैंने बोला 10-20 कामों को छोड़ देना चाहिए और सत्संग जरूर आध घंटा पौन घंटा 20 मिनट जितना हो जाए उतना श्रवण करना चाहिए, और भजन ध्यान का समय आ जाए थोड़ा बैठने के लिए तो 50 कामों को छोड़ देना चाहिए और अपना नियमित रूप से फिर वो काम करना चाहिए। ये जीवन के लक्ष्य है, लेकिन हम भागम भाग की जिंदगी में इन सारी चीजों को, जो काम करने चाहिए थे वो तो हमने पीछे की ओर सरका दिए, और जो वास्तव में जो हो रहे हैं और एक बार के लिए नहीं भी हो, उन कामों की तरफ हम बढ़ते हुए चले जाते हैं, चल भैया चल भैया चल भैया, तो उसमें हमारा सारा संयम खो जाता है, सारे नियम खो जाते हैं, जीवन की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। अगर इस तरीके से अगर जीवन जीते हो तो भगवान कृष्ण ने इस जीवन को फिर ये योग की उपमा दी है, युक्ति हार विहारस्य, कितनी बढ़िया बात कही है, युक्ति पूर्वक आहार करना, युक्ति पूर्वक विहार करना, युक्ति पूर्वक कर्मों को करना, युक्ति पूर्वक सोना, युक्ति पूर्वक जागृत होना, तो समझ लो ये तुम्हारे जीवन का योग बन गया। कोई अलग से कार्य कुछ नहीं करना है, उसी काम में सिर्फ हमको जागृत होना है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसी काम में हमको जागृत होना है, बस। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो होश के साथ लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं तो साफ कर रहे हैं तो होश के साथ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हमारा मन तो कहीं है और हमारे हाथ चल रहे हैं, तो बर्तनों को साफ तो किया लेकिन ध्यान से नहीं किया, तब फिर किसी सज्जन समझदार ने देखा, या तुमने कभी अपने होश में आकर के देखा तो बर्तन पर कहीं गंदगी लगी है, तो फिर कहते हैं देखो भाई ये कैसा बर्तन मांजा है, तो जिस समय पर बर्तन को धोया था उस समय पर आप कहां पर थे, उस बर्तन के पास में नहीं थे, उस समय कहीं दूसरी जगह पर थे, झाड़ू लगाया कहीं कूड़ा रह गया, उस समय तुम वहां पर नहीं थे जहां झाड़ू लगा रहे थे, कहीं दूसरी जगह थे, इसी को कहते हैं बेहोशी। भोजन पा रहे हैं और हमारा मन खेत की ओर दौड़ रहा है, मन हमारा कहीं दुकान की ओर जा रहा है और भोजन कहां पा रहे हैं, क्योंकि हाथों को तो अपना रास्ता पूछना नहीं है, सीधा रास्ता खुला हुआ है, सामने बर्तन रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, और हमने लिया और दिया, लिया और दिया, और भीतर से हमारे मन की दौड़ कहीं और चली जा रही है, चली जा रही है। एकाएक कोई जय पूछे आपसे, कहो सब्जी कैसी बनी है, नमक मिर्च कैसा है, तो हाँ ठीक है बताएंगे, अब तक नहीं पता था क्योंकि तुम थे ही नहीं वहां पर। कोई तुम्हारे सामने होकर के गुजर गया लेकिन तुम थे नहीं, किसी ने पूछा करके, कहो भैया ऐसे ऐसे कोई आदमी यहां पर होकर के गया, हाँ मैं नहीं पता, ध्यान नहीं रहा। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम जागरूकता है, इसी का नाम होश है, जो इस तरीका से
सज्जनों अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, तो ये सारी की सारी महाराज जी ने जो बातें बताई हैं, ये हमारी छाया की भांति हमारे साथ में हो जाएंगी। इनको सीखना नहीं पड़ेगा, इनको रटना नहीं पड़ेगा, और रटने वाली तो चीजें काम में भी नहीं आती हैं सज्जनों। और कोई भी भाई बहन, कल भी मैंने एक उदाहरण दिया था एक बेसिया का, उसका जीवन बदल गया था संत के सानिध्य में आकर के। सज्जनों शरीर तो बदलता ही है, शरीर तो वैसे ही बदल रहा है, तुम मत बदलो। हम कब सोचते थे कि हमारे बाल सफेद हो जाए, लेकिन हो गए सफेद। हम कब सोचते कि हमारे दांत हिलेंगे, लेकिन अब दांत हिल गए। तो शरीर तो वैसे ही बदल रहा है, और अगर बदलना है हमको तो अपने भीतर से अपने मन को बदलना है। लेकिन भाई लोग तो क्या करते हैं, आते हैं तो मन को तो बदलने की बात अलग रही, वो जूता चप्पल नहीं बदल ले जाते। कितने भाई बहन कहते हैं महाराज हमारी तो चप्पल बदल नहीं, ए महाराज हमारे तो कोई जूतन न पहरे वो जो बटे बटे न धरेगा को। आए अपने मन को बदलने के लिए, वो बदल ले गए जूता चप्पल ने, मन की तरफ तो नहीं ध्यान दिया। और जबकि बदलना है मन को, पर नहीं ध्यान रखो, ऐसी भी बात नहीं है। कितने भाई और बहन आते हैं वो अपने मन को भी बदल करके ले जाते हैं। एक प्रत्यक्ष घटना है, मैं एक भजन सुनाऊंगा आप, बड़े कमाल की बात है। हमारा कार्यक्रम चल रहा था, ये बड़े बारे का पुरा है अम्बाते इधर ही पड़ता है, 5 साल हो गए होगी शायद। तो एक मंदिर पर कार्यक्रम था और 5 दिन का कार्यक्रम लगा हुआ, काफी भीड़ होती थी। तीसरा चौथा दिन था, एक बहन की झुमकी गिर गई, तो सब प्रसाद भट गया, जनता घर को लौट गई, 5 बज रहे, और मैं जहां मेरा आसन था वहां से जब मैंने सोचा कि भीड़ नहीं है तो फिर हम टहलने के लिए निकले, तो वो एक उसकी लड़की और एक वो दोनों माँ बेटी, दोनों की आंखों में आंसू, दोनों रो रही थी। एक के हाथ में झाड़ू लगा था, एक के हाथ में 2 लकड़ी लगी हुई थी, और वो वहां देख रही टटोल टटोल करके, इधर 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 उधर, यहाँ होगी यहाँ होगी। मैंने पूछा बेटा क्या बात है, बोले बाबा जी वैसे तो हमारो आदमी सत्संग में आवन ना दे तो ठाकुर परिवार की बहू होती, वैसे तो हार ना दे तो महाराज आज हम आव आदमी तो नहीं है, तो ने कहा दुबके से चले आए, तो बाबा माई ये झुमकी गिर गई, अब सत्संग का झुमकी की तो झुमकी गई और पीठ टूटेगी सामकों तेल। सो महाराज हम सत्संग तो है, दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने कहा बेटा अभी 2 दिन सत्संग और चलेगा, और हम जरूर कोशिश करेंगे जनता में निवेदन, अब नहीं है अब तो किसी को मिल गई, क्योंकि करीब करीब 15 से 2 हजार लोगों की भीड़ थी। मैंने कहा अब नहीं मिलेगी, तो बाबा अब हम कैसे जाएं, अब शाम को हमारी खैर ना है। मैंने कहा हमसे तू बात कराए दी हो, और फिर तू चिंता मत करे, मिल जाएगी तो ठीक है, अंता मुझे सब लोगों से चाहे भीख मांगनी पड़े, 4 दिना के बाद 5 दिना मैं तेरी जाके झुमकी की मेल मिला मैं बनवा दे तेरे लिए, तो बिल्कुल चिंता मत। ए बाबा महात्मन देवलो तो और भलो और आप पे तेमन लेंगे, मैंने कही नहीं ले भी लेते, कोई समस्या होती है तो बात क्या है लेने में। अरे भैया भगवान को के भगत को बात एक ही है, ऐ हमको भी आप ही लोग देते, हमका कोई बेदारी करवे थोड़े ही जा रहे। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी झुमकी बनवा देंगे। और भी 2-4 लोग थे वो भी कह रहे थे, बाबा ने कह दिया है मिल जाएगी। और आप बड़े तेजब की बात मानोगे, वो शाम को गई तो एक ऐसी व्यक्ति को मिली वो, उसने अपनी मैयों से कही मम्मी हमें एक झुमकी मिली है, हाय बेटा जी तो वह फलानी भूगी। वो दूसरा ही बगल में एक पूरा गांव था और वहां की वो बहू थी, कि वो तो फलाने की बहू की है। तो मम्मी अरे वो तो बताते कि बाबा ने कह दिया है कि बाबा बनवा दे वो, तो बेटा चलो दे आगे। दोनों माँ बेटी गई शाम को 8 बजे और जाकर के उसको वो गई
और रात के 10:30 बजे वो पति और पत्नी और बेटी पे तीनों मेरे जहाँ आए प्रसाद लेकर के, एक से एक रुपया रख के प्रसाद रखो और भारी खुशी हो रही, बाबा मिल गई। वो हमारे बगल में एक उपरा तो वहीं की वह बच्ची है मिल गई, तो बाबा फिर भी मैयो बेटी आई और मेरे को दे गई। धन्य ऐसे पुरुषों के लिए जो भाई लोग जो जूता चप्पलों को बदल ले जाते हैं, सज्जनों उनकी वैसी बुद्धि है, लेकिन हम ऐसे भी लोगों को की तो भी बुद्धि है समाज के बीच में, जो के चाहे कितना भी और कुछ भी हो, लेकिन वो दूसरे के धन को एक मिट्टी और पानी और पत्थर के समान देखते हैं। और यही भाव हमारा और आपका होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा है, मातृवत परदारिषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि साहसि पंडिता। सच्चे अर्थों में पंडित कोई जन्म जाति से नहीं होता है। सज्जनों जो दूसरे की बहन बेटियों को अपनी माता बहन बेटी के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान देखता है और समस्त जीव आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझता है, साहसी पंडिता उसको पंडित कहते हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई। इसलिए हमेशा अपनी ईमानदारी से सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। जिन भाई बहनों का अगर सत्य का जीवन होता है सज्जनों, वास्तव में सत्य ही हमारा साथ देता है। दुनिया की चीजें हमारा साथ नहीं देती हैं, हमारे भीतर में जो है हम उससे परिचित हो जाएं। बाहर का धन काम नहीं आएगा, बाहर का परिवार काम साथ नहीं देगा। एक महात्मा से किसी ने पूछा, बाबा जी आपका परिवार है क्या? और अक्सर करके लोग यही पूछते हैं, बाबा तू कौन जाते को है? ते ब्याह है वो का? ते मोड़ी मोड़ा आते का? नहीं पूछना, अगर पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और ठीक महात्मा होते हैं वो बता भी देते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई बात है कोई पूछ रहा है तो जैसे का तैसा बता भी देती है, कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा कहा है कि जाति में पूछो साधु की बूझ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहना तो ज्ञान। महात्मा जी से पूछ रहे आपका परिवार कहाँ है? महात्मा जी ने कहा मेरा परिवार तो मेरे पास में है। तो महाराज के आपका परिवार दिख रहा है हमको? दिख जाएगा, हमें तो आप पर ये कपड़ा भी नहीं दिख रहे सही ठीक ठाक। आपका परिवार कहाँ है? महात्मा जी ने कहा मेरा परिवार है, लेकिन मेरा परिवार इन्हें आंखों से नहीं दिखेगा, मेरे परिवार को देखने के लिए भीतर की आंखों की आवश्यकता है। मैं बताऊं, महात्मा जी ने कहा सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांत पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। कितनी बढ़िया बात कही महात्मा ने कि सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, और धर्म ही मेरा भाई है, और दया सखा है, क्षमा पुत्र है, और शांति मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, कैसे परिवार का परिचय दिया। और यही परिवार साथ देता है, बाहर का परिवार साथ नहीं देता है। ध्यान रखो, जिस बाहर के परिवार के पीछे, बीच में एक बात आ गई है, रत्नाकार ने, रत्नाकार एक खूंखार डकैत था, तो रत्नाकार ने एक बार एक महात्मा जी को पकड़ लिया। हे महात्मा रुक, हे महात्मा रुक। महात्मा जी के झोली कमंडल छीन लिए। महात्मा जी ने कहा रे तू महात्मा को भी नहीं छोड़ता है, कौन से नरक में जाएगा? रत्नाकर ने कही मैं अकेलो थोड़े ही जाऊंगा, मेरी पत्नी जाएगी, मेरे मैयो बाप जाएंगे, मेरे मोड़ी मोड़ा जाएंगे, क्यों कहूं ले जा तू बचू करके भाई खाते तो समय। महात्मा जी ने कहा सब नहीं जाएंगे, तुझको ही झेलना पड़ेगा, अगर तू नहीं मानता है तो पूछे जा चला जा। तो के महाराज तुम बग गए तो? बोले मैं नहीं बगूंगा, यहीं पर हूं। बताते हैं कि रत्नाकर महात्मा जी को वहां छोड़ करके और अपनी पत्नी के पास में पहुंचे,
रत्नाकर ने कहा, कहो मैं जो कुछ लाता हूं उसमें तुम शामिल हो? पत्नी ने कहा, नहीं हम क्यों शामिल होंगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम लूट करके लाओ कि मेहनत करके लाओ, तुम कैसे लाओगे, पकड़े जाओगे तो मार तुम पे पड़ेगी। यही जवाब माता पिता ने दिया, बेटा हमने तुमको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। यही बात बेटी बेटा ने कहा, तब रत्नाकर जाकर के नारद जी के पैरों में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव अगर आप पहले आ जाते तो मैं कुछ कर लेता। तो नारद जी ने कहा, मित्र कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। तो संत तो जगाते हैं, जो जागल सो भागल और रमैया राम। उस महात्मा ने कहा, सुनो ये बाहर का परिवार तो साथ नहीं देगा, क्योंकि बाहर का परिवार तो बाहर तक ही सीमित है। कवि बिंद ने कितना बढ़िया कहा है एक छंद में, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी भरेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। फिर यहाँ से तू आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तू आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा, तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरि संत कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। फिर छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र है ना हदेला रहेगा, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र है ना हदेला रहेगा, मन मुसाफिर इसलिए मेरे बहन भाइयों, आज इस सत्संग में हम ऐसा प्रण लेकर के जाए, सच्चा व्रत लेकर के जाए। जैसे मैंने उस बहन का उदाहरण दिया था, उसने जाकर के उसकी झुमकी को और उसके घर पर दे दिया, और वो बहन के हृदय में कितनी खुशी भरी। सज्जनों इसी तरीका से हम भी अपने विचारों को बिल्कुल अपने एक सत्य की तलहटी में ही बना करके रखें। आज से हम ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम गाली नहीं देंगे, ये हमारा व्रत है। व्रत भूखा मरना नहीं होता है, आज से हम गाली नहीं देंगे, हमारा व्रत है। आज से हम किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम किसी जीव को नहीं सताएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे, सदाचार में जीवन जिएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम देख देख करके किसी दूसरों से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, और जहां तक होगा वहां तक हम अपने क्रोध पर भी हम शासन करेंगे, और छल कपट की तो बात बहुत दूर की रही। इसलिए मेरे भाई बहनों ऐसा प्रण करेंगे, भाई लोग भी ऐसी प्रतिज्ञा करें, आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम शराब नहीं पिएंगे, ये हमारा व्रत है। आज से हम
अंडा मांस नहीं खाएंगे, ये हमारा व्रत है। देखिए आपका जीवन कितना अनुशासित होता है और कितना सुंदर होता है। आप सुंदर नहीं हो, आप इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल देना। आपके भीतर में सुंदर कोई और चीज है जिससे तुम सुंदर लगते हो। जब वो सुंदरता निकल जाती है तब ये शरीर असुंदर पड़ा रह जाता है, जब शिव निकल जाता है तो ये सब पड़ा रह जाता है, और जब सत्य निकल जाता है तो ये असत्य पड़ा रह जाता है। इसलिए सुंदर तो भीतर से सुंदरता का परिचय तो दिया उस महात्मा ने। कौन है सुंदर? कहते हैं नहीं जिसको सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्यम शिवम सुंदरम कोई मंदिर में नहीं है। नहीं, हाँ है मंदिर में। वो कौन सा मंदिर है? वो जेई मंदिर, इसी मंदिर में है। वो सत्य है, इसी मंदिर में है। वो शिव है, वो इसी मंदिर में है। और जो सुंदर है वो इसी मंदिर में है। जब वो सुंदर निकल जाता है तो ये कपड़ा सुंदर नहीं है, ये सोने चांदी के वस्त्र आभूषण सुंदर नहीं है। सज्जनों, सुंदर तो भीतर में कोई एक चीज है। बताते हैं, एक बार एक छोटी सी बात आ गई है। महाराज जोधपुर वाले के महलों में बड़ा कलह था, बहुत रानियां थी वहां पर, बड़ा कलह था। जब जब राजा महलों में जाता तो जिस रानी के पास जाता वही रानी राजा के नाक कानों को खींचती, तुमने हमारे लिए क्या कर दिया है बताओ। उसके लिए इतना बड़ा महल है, इतने कपड़ा, इतना जेवर, सोना चांदी, तुमने तमाम दास दासी, हमारे लिए तुमने क्या कर दिया है। जिस रानी के पास में राजा जाते वही रानी राजा को परेशान करती। तो राजा का हृदय ऐसा विदीर्ण हो गया कि जब जब वो महलों की तरफ जाते तो लगता कि मैं नरक में जा रहा हूं, और जदा कदा कभी कभी वो जंगल की तरफ जाते तो जंगल के किनारे पर एक झोपड़ी पड़ी हुई थी पत्तों की। वहां पर एक साधु भी रहते थे, फूलो नाम की, फूलो भाई। जब राजा उस साधु को देखता तो एकदम राजा का हृदय गदगद हो जाता। उस दिन तो राजा का हृदय और ही एकदम ज्यादा द्रवित हो गया, जाकर के और फूली बाई के पैर छुए। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक दो बात पूछ लूं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक पूछो, दो पूछो, चार पूछो। तो जब मैं महलों की तरफ जाता हूँ तो मेरे महलों में इतना कलह है, इतना कलेश है, जबकि मेरी रानियों पर सोने चांदी सारे ढेर पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा वस्त्र आभूषण, महल दास और दासी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और तब भी उनमें रोज लात पनैया होती रहती है। किसी ने किसी की चोरी करवा दी तो किसी ने किसी की दासी को पीट दिया, किसी ने किसी को चाकर को पीट दिया, और आपस में कहीं लड़ मरी, और जब हम जाते हैं तो फिर हमारी भी खाल खींच जाती है। मेरी रानियों में इतना कलह, और जबकि सारी चीज उनके पास में है। और जब मैं आपके चेहरा की तरफ देखता हूं, आपके चेहरा की मुस्कराहट, आपके चेहरा का सौंदर्य ऐसा मोहित करता है, लगता है कि मैं आपके चरणों में बैठ गया हूं। आपके पास में बढ़िया मकान भी नहीं है रहने के लिए, टूटी सी झोपड़ी पत्तों की। आपके पास में बढ़िया कपड़ा भी नहीं है अच्छे पहनने के लिए। आपके पास में कोई बढ़िया भोजन भी नहीं है, रूखे सूखे टिक्कर। कोई बढ़िया सब्जी नहीं है, कोई बढ़िया मिष्ठान नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे का सौंदर्य, आपकी जीवन शैली इतनी बढ़िया सुंदर, इसका क्या कारण है? तब फूली बाई ने कहा, राजन, ये मेरा सौंदर्य, ये मेरी मुस्कुराहट, ये मेरी प्रसन्नता कोई सोने चांदी की नहीं है, कोई कोठी का महल दीवारों की नहीं है, ये दास दासियों की नहीं है, अच्छे कपड़ों की नहीं है, ये तो मेरे सदगुरु के ज्ञान की अमानत है।
ये तो मेरे सदगुरु का प्रसाद है। ये सारी चीजों को जो व्यक्ति इन सारी चीजों में जो घूमता है और डूबता है, ये सारी चीजें कभी एक रस नहीं रहती हैं। लेकिन जो मुझको मेरे गुरुदेव जी ने दिया है, उस मेरी सुख और शांति को कोई दुनिया में छीनने वाला नहीं है। तो क्या मेरे महलों में भी ऐसा आनंद हो सकता है? क्यों नहीं, ये तो सदगुरु की कृपा है। और बताते हैं, जब राजा भोली बाई को ले गए महलों में और बढ़िया सत्संग हुआ, सारी रानियां बैठी हुई हैं, दास दासी बैठी हुई हैं, तब भोली बाई ने एक शब्द कहा, मेरे को याद है, सोना चांदी तनकी शोभा ये तर कांचो भांडो, और भोली कहे एक राम भजे बिन तुम काय पे लड़ती राणो। कितनी बढ़िया बात है, सोना चांदी तनकी शोभा ये तन कांचो भांडो, और भोली कहे एक राम भजे बिन तुम काय पे लड़ती राणो। ये राणो शब्द राजस्थान का है। अरे ये सोना चांदी जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक ये शरीर की शोभा है मात्र। और ये शरीर तो बिगड़ने वाला है, फिर तुम लड़की का ही पर रहो। वास्तव में तुमको अपने उन सत्य के आभूषणों का कोई बोध नहीं है, जो भीतर की जो सामग्री है उसको तुमको बोध नहीं है, सत्य का बोध नहीं है। जो भीतर की सच्ची और सुख और शांति उसका तुम्हें बोध नहीं है, वो सोने में नहीं है, चांदी में नहीं है, कपड़ा लत्ताओं में नहीं है, महल दीवारों में नहीं है, वो तो सदगुरु के ज्ञान में है। तो मैं निवेदन करूं, वो सुख और शांति वो सभी आप भाई बहनों के पास में है। लेकिन ऐसे संतों के सानिध्य में अगर जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी वही परिवार भीतर से प्रकट होगा जिस परिवार का महात्मा ने परिचय दिया था कि मेरा ये परिवार है, सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, क्षमा मेरा पुत्र है, शांति मेरी पत्नी है, मैं उसी के साथ में सहवास करता हूं। जब वह परिवार जब जागृत होगा भीतर से, सज्जनों समझ लो आपकी स्मृति में हो सका दीपक जल गया, जब आपकी स्मृति में हो सका दीपक जल गया, फिर जो कुछ क्रियाएं होंगी वो सब अच्छी होंगी, सब वो साधना की होंगी। और ये शरीर साधनों का धाम ही तो है, है यहाँ कितनी बढ़िया है, अच्छा रूप देखने के लिए, मुख कितना बढ़िया है, अच्छा भोजन पाने के लिए, अच्छी वाणी बोलने के लिए, कान कितने बढ़िया है, अच्छा सत्संग सुनने के लिए, हाथ कितने बढ़िया है, अच्छी सेवा करने के लिए, अपने माता पिता की, बुजुर्गों की, सासू ससुर की, और कोई दुखिया है ताकि, कितने बढ़िया है हाथ। पर भैया आपकी मर्जी है, आप अपनी शक्ति का चाहे इधर उपयोग करिए, चाहे आप इधर ही उपयोग करिए। देखिए उदाहरण है एक, जैसे ये बिजली है, बिजली कितनी शक्ति है, ये माइंड चल रहा है और ये प्रकाश भी देगी, और पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, रेलगाड़ी भी चल रही है, यहाँ से चाहे जहाँ पे तुम कपड़ा धुपा ले, कौन पे जब बिजली पे, चाहे जहाँ पे कपड़ा धुपा ले, चाहे जहाँ पे भोजन बनवा ले, चाहे जहाँ पे प्रकाश करवा ले, चाहे जहाँ पे ठंडी करवा ले, चाहे गर्म करवा ले, क्यों? जब हीटर की बटन दाबे दी थी, हीटर चलेगा तो गर्म है या नहीं? जब गर्मी लग रही है तो कूलर की बटन दाबे दी तो कूलर फर 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 एकदम ठंडा कमरा वो कर रहा जैसा। अच्छा, और नेट थोड़ी सी भूल में बेहोशी बात यहां तो लगाई दो तो आलस नहीं धड़को है। भैया बिजली ने पकड़ ले, एक मैया कह रही बाबा हम तो बिजली ने पकड़ ले, मैंने कही बिजली ने तू पकड़ ली कि तेने बिजली पकड़ ली? अरे तेने ध्यान से काम नहीं किया होगा, झटका लग गया होगा। तो यही ध्यान की बात है सज्जनों, हमारे भीतर में जो शक्ति है हम उसको अपने ध्यान से उसका सही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सारी जीवन की क्रिया ध्यान बन जाएगी।
आपके सारे के सारे दैनिक कार्य सब ध्यान और साधना बन जाएंगे। आपका जीवन ही साधुता का जीवन बन जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि भाई जो महात्मा लोग साधु बन गए तो हम साधु बन जाए। साधु का अर्थ ही होता है साधो नाम साधना। जो वो साधना से भी जो साध लेता है अपनी वाणी को, साध लेता है अपने मन को और साध लेता है अपने इंद्रियों को, वही साधु कहलाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है आज जगने के लिए। संत तो जगाते हैं, जागो। आज का जो दिन है सज्जनों, वो कल फिर मिलने वाला नहीं है। रावण ने यही बात लक्ष्मण जी से कही थी, लक्ष्मण जी अच्छा काम करने के लिए किसी की ज्यादा सलाह नहीं लेनी चाहिए, किसी को ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। हाँ, गलत काम करने की भावना बने तो पूछ लो, पत्नी से पूछ लो, भैया से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो। अरे वो फलानो आदमी मान रहा है तो लोग कहे काय को मार रहे हो भैया, जानो बेईमानी करिए मेरे रुपया राख ले तो डट जा भैया, चार आदमी जोड़ ले, पंचायत जोड़ ले। और ऐसे नहीं होगा तो फिर चल राज दरबार कर लेंगे, मात तो कहे कौन। अरे वो खुद मत जाओ, तू मत जाओ, तो तुम उस गलत काम से बच गए। और अच्छा काम हुआ, चलो भैया नौमी सिंह सत्संग कराए रहे, वहां चलना है। पत्नी तो कही चलोगी, वहां नौमी सिंह जी सत्संग कराए रहे हैं, तुम्हें सत्संग ही पड़ रही है भाई। मोड़ने की तो पीछे आने भरी वे साधु के जहाँ सत्संग में काले हुए है, वे बे भजन भजन गाते रहते हैं तो समझ लो कि बे तो होती है ही है, डूबो पर वे तुम्हें उल्ले डूबी। कहते ना कि एक डूबा होता है एक ले डूबा होता है, तो एक डूबता है वो तो अकेले होता पर एक दूसरे हुए ले डूबे, बातें कहते ले डूबा। तो इसलिए अगर हमारा अच्छे काम के लिए अगर कहीं मन है तो काम से मत पूछो, चुपचाप चले जाओ। हमारे एक भैया आए वो शोध, तो हमने कही साहेब जी ने पूछी के तो देवी जी आई है का कि महाराज मैं ना कहते कही तो निकल जाए वो चुपचाप के सियाते को रोड़ा नहीं लगी जाए। तो वास्तव में इसी तरीका से हमें अच्छा काम करने के लिए ज्यादा लोगों की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गलत काम करने की जब भावना आए तो द्वैन की ले, चांदनी की ले, दसन की ले, बीसन की ले, शायद कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि तुमको उस गलत काम से बचा देगा। और गलत काम की जो भावना होती है तब तुम्हारा हृदय गलत होता है, और अच्छे काम की जब भावना होती है तो तुम्हारा हृदय अच्छा होता है। या अच्छा हृदय है तब अच्छे काम करने की भावना हो रही है तो फिर उस दूसरे से मत पूछो। उस समय दूसरे का हृदय अगर ठीक नहीं है, तुम्हारा हृदय तो बढ़िया है और दूसरे का ठीक नहीं है, तुम्हारा हृदय तो बिल्कुल पवित्र पानी के समान है, ऐसे कोई झरना झर रहा हो। अब वो तैयार बैठो वो तसला कूड़े को भरे के है, तो तुमने जाके बात अपनी बात कही थी, तुम्हारे तो सुंदर विचार है और बाने वो कूड़े को तसला त्याग विचारने में पटक दे तो बागो तो गंदा होते यो तो लेकर बैठो ही हो भाई, लेकिन ये बाने तुम्हारा झरना गंदा कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है, भक्त नौमी सिंह जी ने यहाँ जो ये कार्यक्रम रखा है, हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और उनके परिवार के लिए बड़े संत महात्माओं को अच्छी तरीके, कल भी कार्यक्रम बढ़िया हुआ था, भले ही वर्षा हो गई और थोड़ा सा व्यवधान हो गया, और व्यवधान भी कुछ नहीं है तो सब चलता है। तो उन्होंने अपनी बड़े मनोनिग्रह के साथ, बड़ी अपनी शक्ति के साथ, बड़ी दूरधानी से संत महापुरुषों को बुला करके, और क्यों, इसीलिए अपने नाम के लिए नहीं, इसीलिए कि हमारे भाई बहन जो कहीं भटके हुए हैं, जंत्र मंत्र पूजा है तो ना टोटका भैरव बमानी, इन सारी कल्पनाओं में हमारे जो भाई बहन लगे हुए हैं, तो कुछ संतों की बात सुन करके उनको बढ़िया अच्छा मार्गदर्शन मिले, उनको बढ़िया जीवन जीने की कला आए। इसलिए सज्जनों, उन्होंने इन संतों को बुला करके और ये कार्यक्रम रखा, आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया। ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, ये समय के भागीरथ कहलाते हैं, जो कि गंगा जी को भागीरथ कभी लाए हो नहीं लाए हो, लेकिन आज जो यहाँ गंगा जी बह रही है सत्संग की, ये अलौकिक धारा जो बह रही है संतों की, इसके मुख्य भागीरथ कौन है, भक्त नौमी सिंह जी।
इसलिए हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार के लिए और उनके मित्रों के लिए और उनके साथी भी कई ऐसे हमारे जगदीश भाई हैं, ओम प्रकाश भाई हैं, जो हर वक्त उनकी एक दाई और बाई भुजा है, वो हर वक्त अपनी सेवा में और अपना समय दे रहे हैं और देना भी चाहिए, अच्छे कार्य में ऐसा समय देना चाहिए सबका। तो अब ज्यादा न कहते हुए हमारे पूज्य साहिब जी यहाँ विराजमान है, हमको बताया नहीं कि सत्संग कै बजे तक रखा जाएगा और कितना समय है हमारे लिए, तो फिर भी हमारे संचालक जी ने तो भाई जब तक जनता बैठी रहे तब तक आप तो बोलते रहो, तो तो जनता तो बैठी रहेगी। ये निश्चिंत बात है कि आप लोग बैठे रहोगे, आप 6 बजे तक बैठे रहोगे, आप खड़े नहीं होगे, पर नहीं फिर भी हमें और सारी व्यवस्थाओं को भी अपने ध्यान में रखते हुए और हम पूज्य साहब जी से निवेदन करेंगे कि वो भी अपने आशीर्वाद के शब्द हमारे और आपके बीच में रखेंगे, थोड़ा उनके लिए भी समय खुला है जितना जो समय के हिसाब से उनको पता होगा। तो मैं तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, ये संतों का भाव होता है, सभी भाई बहन एक जयकारा लगाएंगे, हैं बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। साईं।